अनर्न इनकम, ठीक है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है, इसको हाँ ये भी लिखो अनर्न इनकम भी लिखो। दोज इनकम, दोज इनकम विच हैव बीन रिसीव्ड इन एडवांस, दोज इनकम विच हैव बीन रिसीव्ड इन एडवांस बट सर्विस इज येट टू बी प्रोवाइडेड, बट सर्विस इज येट टू बी प्रोवाइडेड। अब यहाँ पर क्या होगा लिखो, इट इज शोन इन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट एंड सब्सट्रैक्ट फ्रॉम रेस्पेक्टिव इनकम एंड सब्सट्रैक्ट फ्रॉम रेस्पेक्टिव एंट्री बनाओगे ना, एडजस्टमेंट एंट्री, वो बनेगी आपकी इनकम अकाउंट डीआर टू अनअर्न इनकम, ठीक है, ये इसकी एंट्री ड्यू टू यूज ऑफ असेट और इफ्लक्स ऑफ टाइम, समय बीतने से इफ्लक्स ऑफ टाइम, there is decrease in value of asset, there is decrease in value of asset, there is decrease in value of called depreciation, it is shown in डेबिट साइड ऑफ पी एंड एल अकाउंट, इट इज शोन डेबिट साइड ऑफ पी एंड एल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड सब्सट्रैक्ट फ्रॉम रेस्पेक्टिव असेट, रेस्पेक्टिव असेट एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनेगी आपकी, डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट, ये एंट्री बनती प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिशिएशन, तो इसमें असेट की वैल्यू कभी आई तो डेप्रिशिएशन के लगेंगे, इट इज शोन इन इंटरेस्ट कैपिटल का मतलब तो क्या कैपिटल पे इंटरेस्ट, ठीक है, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट, इट इज शोन इन डेबिट साइड ऑफ पी एंड एल एंड एडेड टू कैपिटल, एंट्री क्या आएगी देखना इधर,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ड्रॉइंग जो करेगा ओनर उसके ऊपर जो देखो इट इज शोन इन क्रेडिट साइड ऑफ पीएनएल एंड सब्सट्रैक्ट फ्रॉम कैपिटल अगर उसकी एंट्री की बात करें क्या आएगा ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ये भी कर सकते हो इसलिए ये भी कर सकते हो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन दोनों में से जो भी करना चाहो आप कर